हेलो दोस्तों, मैं हूँ काजल और मैं आपके लिए जो है दो लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूँ जो आपके दिल को जो है खुश कर देगा। एक है आपकी न्यू जो है लेखपाल की भर्ती को लेकर और एक है आपके जो है लेखपाल के रिजल्ट को लेकर। जो आपकी पद निकले थे 8085 पद की और 7 सितंबर को इसकी जो है आंसर की जो है मेन एग्ज़ाम की जो है यहाँ पे जारी की गई है। तो अब इसका रिजल्ट जो है इतनी जल्दी आ गया, आप सभी को क्या ये इस बात पे यकीन होगा नहीं होगा ना, वही मैं आपको देने वाली हूँ और कट ऑफ भी गाइस बताने वाली हूँ। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वीडियो जो है आपको लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और यूपी ट्रिपल एससी पर हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाती हैं। यूपी ट्रिपल एससी में कौन कौन सी पद पर भर्ती निकली हैं आप देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की कर रहे हैं तो उस पर भी मिल जाएगी। रेलवे एग्ज़ाम की कर रहे हैं वो क्या है, एसएससी क्या है, इन सभी पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ट्रिपल सी क्या है, ओ लेवल क्या है, सभी अगर जिस चीज़ की भी जानकारी आपको लेनी है आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप एक बार जो है चेक कर लेना। अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो बता देती हूँ आपको गाइज, आप जो है रिजल्ट कहाँ से चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सिंपली ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिजल्ट वाला, आपको यहाँ पे जाना है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ इसकी जो है कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और आपको जो है लेखपाल की भर्ती पहले जो है नए वालों की बता देती हूँ। देखिए गाइस, आपका जो है पैट एग्ज़ाम जो होने वाला है अभी, जो ये पैट एग्ज़ाम होगा तो इसके बाद जो है आपकी जनवरी में जो है लेखपाल की जो है नई भर्ती आएगी। ये जो है न्यू है, जो 2022 वाले हैं ये उनके लिए हैं। उनका जो है 4000 प्लस जो है भर्ती आने वाली, यानी कि 4085 जो है इनकी भर्ती आएगी लेखपाल की। ये न्यू यूज़र के लिए बताई है। और जिनकी 8085 पद की भर्ती निकली थी इनका रिजल्ट भी बता देती हूँ साथ के साथ कट ऑफ भी। तो गाइस इनका रिजल्ट जो है आपको, जो अपना रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा गाइस इसी में, ये जो अक्टूबर का है ना, इसी अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपको जो है अपना रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताई देती हूँ। रिजल्ट के लिए आपको यहाँ पे जो है सिंपली रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो ये ऑप्शन होता है ना क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट, आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पेज ओपन होगा और यहाँ पे जो है आप अपना रिजल्ट जो है डाउनलोड कर सकेंगे। ये तो पुराना है, खैर पैट का है, ठीक है ना। इस तरह आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर आएगा जो कि आपका डीवी का आएगा, ठीक है ना। डीवी का रिजल्ट आएगा वो आपका इसी अक्टूबर के सेकंड वीक में आएगा और फाइनल रिजल्ट जो है आपके दिसंबर में आएगा, ठीक है ना। फाइनल रिजल्ट वो दिसंबर के लास्ट वीक में भी वो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कट ऑफ क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कट ऑफ आपकी कुछ इस तरह से जाएगी, जनरल वालों की जो जाएगी वो जाएगी 82, ठीक है। और वहीं जो है आपकी EWS वालों की जाएगी 76 से 80, OBC वालों की 73 जाएगी और SC वालों की 75 जाएगी और ST वालों की जो है 64 जाएगी। इस तरह जो है आपकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रहने वाली है गाइस, ये एकदम नहीं है कि जेन्युइन कट ऑफ है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने आपको बताई है। रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी जो है अब वर्क कर रही है, ठीक है ना। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो फाइनल रिजल्ट है ये रह रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहले आएगा फिर इसका जो है फाइनल रिजल्ट जो है आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जो है ज्वाइनिंग अलॉटमेंट आगे चलेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप जो है पहले ही जो है सब कुछ बनवा के रख लीजिए। एकेडमिक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए गाइस, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और इनकम सर्टिफिकेट जो है ठीक ठाक बनवा के रख लीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है एफिडेविट भी बनवा लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आपका डीवी का रिजल्ट मैंने बता ही दिया है कब आएगा, ये आपको जो है अक्टूबर के सेकंड वीक में जो है देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।